Hello students, how are you? I hope you will be fine at your home. I am Ankit Gupta, your science teacher. Today's video, we will discuss about the speed, uniform motion and non-uniform motion. Okay, so then let's start. तो first term है speed. अब speed को define करने के लिए आपको motion और rest दोबारा से समझना पड़ेगा. हम किसी भी ऑब्जेक्ट को मोशन में तब बोलते हैं जब आपका ऑब्जेक्ट पोजीशन चेंज करता है विद द रेस्पेक्ट ऑफ टाइम. टाइम के रेस्पेक्ट में उसकी पोजीशन में चेंज होता है तब हम बोलते हैं मोशन में है. सेम अगर ऑब्जेक्ट की पोजीशन में कुछ चेंज नहीं हो रहा है टाइम के साथ साथ तो उसको हम बोलते हैं रेस्ट में. अब मोशन अगर ऑब्जेक्ट मोशन होगा तो डैट मीन्स कि उसमें कोई स्पीड भी होगी. इसको ऐसे समझते हैं आपके पास दो ऑब्जेक्ट हैं, दो ऑब्जेक्ट सेम लाइन या सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं. अब हम कैसे इसको फाइंड करेंगे कि ऑब्जेक्ट आपका कौन सा ऑब्जेक्ट आपका टू फास्ट है और कौन सा ऑब्जेक्ट आपका टू स्लो है. जस्ट एग्जांपल, आपके पास एक पर्टिकुलर डिस्टेंस है, अप्रॉक्सीमेट 60 किलोमीटर डिस्टेंस है. ओके अब आपका ऑब्जेक्ट और टाइम ड्यूरेशन से आपका 1 आवर. लेट्स अज्यूम आपका ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट ने 1 आवर में 30 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करी और सेकेंड ऑब्जेक्ट ने 60 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करी इन 1 आवर. तो देन इससे ये पता चलता है, ये फाइंड कर सकते हैं कि कौन सा ऑब्जेक्ट आपका फास्ट है, कौन सा ऑब्जेक्ट फास्ट होगा जिसने 1 आवर में 60 किलोमीटर कि जो डिस्टेंस है वो कवर करिए और कौन सा ऑब्जेक्ट स्लो होगा जिसने 1 आवर में 30 किलोमीटर के डिस्टेंस कवर करिए. तो देन स्पीड को डिफाइन कर सकते हैं, द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज अ डिस्टेंस ट्रेवल बाय ऑब्जेक्ट इन पर्टिकुलर टाइम. गॉट इट? दैट मीन्स स्पीड आपको फाइंड करना है तो ऑब्जेक्ट ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी उसको आप कितने टाइम में ट्रेवल करा उससे डिवाइड कर दीजिए, आपके ऑब्जेक्ट की स्पीड आ जाएगी. गॉट इट? स्पीड जो हम मेजर करते हैं वो हम करते हैं आपका सेंटीमीटर पर सेकंड में. ओके नेक्स्ट मीटर पर सेकंड, नेक्स्ट किलोमीटर पर आवर. हम तीन यूनिट्स में किसी की ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है उसको हम मेजर कर सकते हैं. जो इसके स्टैंडर्ड यूनिट होती है, जो ऑल ओवर वर्ल्ड रिकॉग्नाइज है, अप्रूव्ड है, वो होती है मीटर पर सेकंड. दस एग्जांपल, अभी तक हमारे पास जो सबसे फास्टेस्ट स्पीड है वो लाइट की है. जो लाइट है वो 1 सेकंड में 3×10^8 मीटर डिस्टेंस को ट्रेवल कर सकती है. लाइक ए साउंड, साउंड की जो स्पीड होगी वो आपके 340 मीटर पर सेकेंड होगी इन द एयर. जैसे हम बात करते हैं तो जो आपकी साउंड है, जो आपकी वॉइस है, वो 340 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ट्रेवल करती है. नेक्स्ट, यही साउंड अगर आपका वाटर में या लिक्विड में ट्रेवल करेगी तो अप्रॉक्सीमेट 4 टाइम्स 340 का 4 टाइम्स की स्पीड से ट्रेवल करेगी. यही स्पीड अगर आपकी सेम साउंड स्पीड जो है मेटल में, ये आपके अप्रॉक्सीमेट 15 टाइम्स हो जाएगी. गॉट इट? नेक्स्ट है नॉन यूनिफॉर्म मोशन एंड यूनिफॉर्म मोशन. सेम एग्जांपल, अगर कोई ऑब्जेक्ट है एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है तो उसको हम डिवाइड कर सकते हैं कि फर्स्ट सेकंड में स्पीड जो थी आपकी वो 0 थी, सेकंड स्पीड में आपकी जो सेकंड टाइम्स में सेकंड स्पीड में आपकी जो स्पीड थी वो आपकी 2 मीटर, नेक्स्ट सेकंड में आपकी 4 मीटर, नेक्स्ट स्पीड में आपकी 6 मीटर. एन एग्जांपल, इफ द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग ए स्ट्रेट लाइन कीप चेंजिंग इट्स मोशन इट्स सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म. जस्ट लाइक आप रोड पे जा रहे हैं, आप स्कूटी से हैं, अगर आप स्कूटी को बार बार ब्रेक लगा रहे हैं, बार बार स्पीड गियर अप कर रहे हैं तो डैट्स मीन्स कि आपकी जो स्कूटी का मोशन होगा वो आपका नॉन यूनिफॉर्म होगा. गॉट इट? नेक्स्ट है आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन. एक ऑब्जेक्ट है
एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, ओके, और उसको बोलेंगे हम आपका यूनिफॉर्म मोशन। अब एग्जांपल है, आप स्ट्रेट रोड पे जा रहे हैं, आप एक कॉशन स्पीड रखी है, आपने जो भी एक्सेलेरेटर है आपका उसको आपने एक सेम पोजीशन पर रखा है, तो आपकी जो स्कूटी है या बाइक है वो सेम स्पीड से मूव करेगी, तो डैट मीन्स आपका जो मोशन होगा वो आपका यूनिफॉर्म मोशन होगा, ठीक है। यानी मीन्स आपकी स्पीड में कोई भी चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है, उसको बोलते हैं हम आपका यूनिफॉर्म मोशन। नेक्स्ट है, जैसा आपको पहले बता चुका हूँ मैं, यूनिट जो टाइम के यूनिट है और स्पीड के यूनिट है, टाइम के जो यूनिट हम सेकंड मेजर करते हैं, जो ऑल ओवर वर्ल्ड वेरीफाइड है, और इसका सिंबल एस होता है, या इसको आप एस ई सी लिख सकते हैं। बेसिक यूनिट होती है स्पीड की मीटर पर सेकंड, जैसे हमने आपको बताया। नेक्स्ट आता है स्पीडोमीटर एंड ऑडोमीटर। स्पीडोमीटर और ऑडोमीटर हर व्हीकल पे होता है। एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, ये आपने जो सिंबल है, आपने इमेज है, हर व्हीकल पे देखी होगी, डिजिटल मीटर होंगे या फिर आपके मैनुअल मीटर होंगे, जो आपको लिखा है 0, 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, डेट इज़ कॉल्ड अ स्पीडोमीटर। ये आपके व्हीकल की एक पर्टिकुलर टाइम पे आपकी स्पीड शो करता है, उसको बोलते हैं स्पीडोमीटर, ओके। और उसके बाद एक नीचे नंबरिंग होती है आपकी स्कूटर में या व्हीकल में, किसी नंबरिंग होती है जो दिखाता है कि ऑब्जेक्ट ने कितने डिस्टेंस ट्रैवल करे है, तो उसको बोलते हैं ऑडोमीटर। गॉट इट? जो आपके निडल है, निडल जिस उसमें मीटर पर मूव कर रही है, उसको बोलते हैं आपका स्पीडोमीटर। नेक्स्ट पॉइंट है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है वो शो करता है आपके ऑब्जेक्ट की स्पीड को, कि स्पीड का जो नेचर है वो कैसा है, स्पीड कॉन्स्टेंट है, आपका ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, कि ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है लगातार बढ़ रही है। अगर आपका ऑब्जेक्ट कॉशन स्पीड से मूव कर रहा है, कॉशन स्पीड का मतलब है कि आपका व्हीकल है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ही मूव कर रहा है, ठीक है, उसको बोलते हैं कॉशन स्पीड। तो उसके बीच अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ को हम ड्रॉ करते हैं तो आपका जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन आता है। अगर आपका व्हीकल है वो जो स्पीड है हम लगातार बढ़ा रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, पहले आपका व्हीकल जो है 40 किलोमीटर पर आवर है, फिर कुछ टाइम के बाद आपके इस व्हीकल की जो स्पीड हो गई है वो 50 हो गई है, फिर 70, तो उसको जो ग्राफ प्लॉट करेंगे वो आपका जो ग्राफ होगा वो कर्व शेप में होगा, जैसा आपको गिवन है इंक्रीजिंग स्पीड एक्सलेशन। नेक्स्ट है आपका ऑब्जेक्ट अगर आपका रेस्ट में है, मीन्स आपका जो व्हीकल है वो मूव नहीं कर रहा है, उसको बोलेंगे हम आपका रेस्ट। नेक्स्ट है यूनिफॉर्म मोशन ग्राफ। यूनिफॉर्म मोशन ग्राफ मीन्स है अगर कोई ऑब्जेक्ट आपका इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल टाइम में ट्रैवल करता है तो उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। यहाँ पे आपको टाइम और डिस्टेंस कवर गिवन है, टाइम 0, 5, 10, 15, 20, 25 और 30 गिवन है, यानी इनके बीच का जो डिफरेंस है वो 5 का है, और डिस्टेंस कवर भी 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18, यानी इनके बीच का जो डिफरेंस है वो 3 है। तो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम 5 एंड इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल, दैट मीन्स 3, तो आपका जो ग्राफ प्लॉट होगा वो आपका स्ट्रेट लाइन प्लॉट होगा। यहाँ पे हम जो ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं 5, 10, 15, 20, 25 को हमने एक्स एक्सिस मार्क कर लिया है, 0, 3, 6, 9, 12, 15 को हमने वाई एक्सिस पे प्लॉट किया, तो 5, 10, 15, 25 जैसे जैसे आप पॉइंट को मार्क करेंगे आपके पास एक स्ट्रेट लाइन शो हो जाएगी। ये इंडिकेट करता है कि आपका जो व्हीकल है यूनिफॉर्म मोशन में होगा। गॉट इट? आपने आज पढ़ा यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, स्पीडोमीटर, ऑडोमीटर। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।